What's up guys, welcome to this new video. In this video we are going to play this game in which we can get guaranteed super coins. Oh hello, hi, फिर से आप यहाँ फिर से आने के लिए धन्यवाद. स्वागत है आपका एक और खबरों से भरे शो में जिसका नाम है फेक और नॉट, जहां हम झूठ को लॉजिक से मारते हैं और मच्छरों को रैकेट से. मैं हूं मितिका दत्त, आपकी दोस्त, और संजय दत्त की कुछ भी नहीं. मैं आपको पूछूंगी 5 सवाल और आपको बताना है कि ये खबर है फेक या नॉट फेक. अगर आपने सवालों का सही जवाब दिया तो आप जीत सकते हैं ढेर सारे प्राइजेस. बस हाथ सैनिटाइज करके प्राइजेस रिसीव करना. तो चलिए शुरू करते हैं फेक या नॉट फेक. दर्शकों, आज की हमारी पहली खबर है मुंबई के दिल के बारे में. नहीं दोस्तों, थाने मुंबई का अंगूठा है, मैं बात कर रही हूँ धारावी के बारे में. जी हाँ, यही तो असली मुंबई बसा है. धारावी दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्लम है और यहाँ की कहानियाँ बहुत ही अद्भुत हैं. सुनने में आया है कि धारावी 18वीं सदी में एक द्वीप होता था, यानी कि आइलैंड. तो बताइए अपना जवाब भारत का. धारावी वॉज एन आइलैंड, सो इट इज नॉट. सबसे बड़ा स्लम धारावी 18वीं सदी तक एक द्वीप यानी आइलैंड था. फेक या नॉट फेक. हाल ही में यहाँ COVID-19 बहुत फैल गया था, लेकिन COVID-19 से बचने के लिए धारावी ने एक ऐसा मॉडल यूज किया है जिसकी तारीफ WHO के चीफ ने भी की है. 14 दिन में वहाँ 200 बेड का अस्पताल बना है. स्कूल, मैरिज हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सबको क्वारंटीन सेंटर्स बना दिया गया. वहाँ डॉक्टर्स, दवाई और खाना सबका बंदोबस्त किया गया. इन शॉर्ट बोले तो अपना धारावी बहुत ही तोड़ू निकला रे. और इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नॉट फेक. धारावी एक द्वीप था मीठी नदी के किनारे पर. यहाँ कई सारे मैंग्रोव्स थे, पर धीरे धीरे लोग यहाँ बसने लगे और फिर कुछ 100 साल बाद यहाँ एक मछुआरों का गांव बस गया और फिर जाके 1882 में धारावी का जन्म हुआ. ये अगली खबर है बेस्ट कपल स्पोर्ट के बारे में. अगर दिन ढल रहा हो और शाम हो रही हो तो बैडमिंटन खेल के आप अपना मन बहला सकते हो. अगर झगड़े में गुस्सा आ रहा है तो बस भड़ास निकाल के मन बहला सकते हो. और अगर किसी को ईर्ष्या देनी हो तो किसी और के साथ जाके खेल लो. लेकिन ये खबर बैडमिंटन की पहचान के बारे में है. जैसे अक्षय कुमार का नाम राजीव भाटिया था, वैसे ही कहा जाता है कि बैडमिंटन का असली नाम पूना था. जी, श्रूज़बरी बिस्किट और ओशो आश्रम वाले पूना यानी पुणे. Yes.
सवाल ये है, बैडमिंटन के खेल को पहले पूना कहा जाता था, फेक या नॉट फेक? पूना वैसे बैडमिंटन खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह है, वहाँ अगर ऑटो ना मिले तो बैडमिंटन खेल के अपना मन बहलाया जा सकता है और स्टैमिना भी बड़ा रहता है, ताकि आप में इतनी शक्ति आ जाए कि आप ऑटो लेने की जगह हर जगह पैदल ही चले जाएं। देखा, बैडमिंटन बैड नहीं गुडमिंटन है। खैर, इस सवाल का जवाब है नॉट फेक। बैडमिंटन की स्थापना पुणे में हुई थी जब एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर ने बैटल डोर और शटल कॉक नामक प्राचीन खेल में एक नेट ऐड कर दिया था। इस वजह से उस गेम को पूना बुलाया जाता था। फिर 1873 में ये खेल ब्रिटेन में बैडमिंटन के नाम से मशहूर हुआ। वैसे अगर इस खेल का नाम पूना ही रखते तो थोड़ा अजीब नहीं होता? पता चले एक दिन बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी मैं पूना के लिए निकल रहा हूँ, और मम्मी फालतू में तत्काल की टिकट खरीदने में बैठ गई। पुणे के पिंपरी से ये अगली खबर आ रही है, जहां 5 दिन के अंदर पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 1 करोड़ रुपए कमाए सिर्फ लॉकडाउन के जुर्मानों से। पिंपरी पुणे का एक उपनगर है जो व्यापक रूप से औद्योगिक टाउनशिप के रूप में प्रसिद्ध है, और अब ऐसे भयानक जुर्मानों के लिए भी। तो बताइए, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पे पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ से 5 दिनों में 1 करोड़ का फाइन इकट्ठा किया गया। फेक या नॉट फेक? क्या हमें नियम तोड़ने में इतना ज्यादा मजा आता है? तोड़ना ही है तो रिकॉर्ड तोड़ो। 3 महीनों तक नहाओ मत या सुबह 5 बजे उठ जाओ, इससे बड़े रिकॉर्ड तो टूटेंगे नहीं, लेकिन आपकी मम्मी जरूर खुश हो जाएंगी। वैसे इस सवाल का जवाब है नॉट फेक। ये सच है कि पिंपरी में 5 दिनों में 1 करोड़ रुपए जुर्माना इकट्ठा हुआ है। ये जुर्माने लिए गए हैं उन लोगों से जो बिना ई पास के घूम रहे थे। दर्शकों, हमें पता है कि बहुत महीने हो गए हैं और हम सब घर पे बैठे हैं, लेकिन अभी भी वायरस खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कृपया करके बिना इमरजेंसी के अपने घर से बाहर ना निकले। ये आपके और आपके बटुए के लिए हानिकारक हो सकता है। अगली खबर है हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी के बारे में। कुछ देर पहले पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप के टूर गाइड बने हमारे गबरू जवान दिलजीत दोसांझ, एक बहुत ही उम्दा गायक और अभिनेता। जाना तो मैं भी चाहूंगी उनके साथ ताजमहल को देखने। ताजमहल की सुंदरता दोसांझ के सुरीले गीतों के साथ और भी उभर के आएगी। तो बताइए, दिलजीत दोसांझ ने करवाई इवांका ट्रंप को ताज?
नाइस। महल की सैर फेक या नॉट फेक? वैसे अभी तो ताजमहल घूमने के लिए मैं खुद गाइड बनने के लिए तैयार हूँ, अगर हमें घर से निकलने का मौका मिले तो। वहाँ भी मैं ताजमहल के बारे में फेक या नॉट फेक जानकारी दूंगी। जैसे ताजमहल का निर्माण 22,000 मजदूरों, चित्रकारों, पत्थरबाजों, कढ़ाई कलाकारों द्वारा किया गया था। लेकिन जब बात आती है दिलजीत दोसांझ और उनकी ताजमहल के टूर गाइड बनने की, ये खबर है फेक। जी हाँ, दिलजीत दोसांझ ने अपनी एक जाली फोटो ट्वीट कर दी जहाँ उन्होंने इवांका ट्रंप को फोटोशॉप किया। ये देखकर इवांका ने ट्वीट किया, "It was an experience I'll never forget." उस फोटो को देखकर हम भी कभी भी हंसना नहीं भूलेंगे इवांका जी। सुनने में आया है कि बडवाइजर, एक मशहूर बियर ब्रांड का एक कर्मचारी बियर के टैंक में 12 साल से पेशाब कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसको पता ही नहीं है कि हमने कौन से घाट का क्या क्या पिया है। तो अब आप बताइए, बडवाइजर का एक कर्मचारी बियर, इट इज नॉट फेक बट स्टिल आई विल सर्च फॉर इट बिकॉज नाउ आई नीड सम प्रूफ ऑल्सो। Okay, it is fake. It's fake news. I thought it was true. So as you can see, I have got all the answers right. Now today I got 10 super coins, yesterday I got 5 super coins. And to those people who don't know about this, super coin is equivalent to money. So I have won 15 rupees by investing 20 minutes, 10 minutes per day, around 7 minutes per day, 14 minutes per day. Because
The video is 7 minutes long. Then I search on Google for 7 minutes. So as you can see, you can completely earn from this game. And if you got 50 rupees voucher or 1000 rupees voucher, then it is again a very lucky thing if it would happen. Let me check that, did I got those or not? Well, I don't know how to check it, so I will do it later. As always guys, be sure to like the video, share this video with your friends so that they can also get benefited, and also be sure to subscribe to the channel. It helps me a lot. And like the video, and as always guys, thanks for watching. See you guys in the next video.